इस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट एज कैरियर इन साइड आवर बॉडी। ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इस चीज को लिख देते हैं, इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट एज अ कैरियर इन साइड आवर बॉडी। अब कैरियर मीन्स व्हाट? जो भी चीजें हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है, आइदर गैसेस और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स, उन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। अब बात करते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि ब्लड बना किन किन चीजों से। तो ब्लड इज मेनली मेड अप ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन चार चीजों से मेनली हमारा ब्लड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा जो है इट इज 55% पार्ट ऑफ आवर ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी 90% के लगभग वाटर होता है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, दैट इज प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, इट इज पेल कलर्ड, इट इज पेल कलर, पेल कलर, दैट मीन्स आप कह सकते हो लाइट येलोइश कलर का, हल्का येलो कलर का जो कलर होता है, दैट इज पेल कलर, एंड इट इज 55% पार्ट ऑफ आवर ब्लड। और जो बाकी के 45% होते हैं, यानी कि 100% अगर ब्लड है उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा हो गया, तो बचा हुआ जो 45% है, इस 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो प्लाज्मा जो है इट इज 55% पार्ट ऑफ आवर ब्लड, इट इज पेल कलर्ड, लाइट येलोइश कलर का होता है। अब जो 45% बच गया ब्लड में प्लाज्मा के अलावा, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन है और क्या इनके बारे में है। तो आरबीसी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं आरबीसी को। इसका जो लाइफ स्पैन है, दैट इज 120 डेज। शेप की बात करेंगे तो बाइकनकेव। आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, एंड इसी की वजह से आरबीसी जो है ऑक्सीजन कैरी कर पाता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन O2, एंड हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, एंड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी जो है वो रेड कलर का होता है। तो फाइनली हमारा ब्लड जो है इसकी वजह से रेड कलर का होता है। ये सारे पॉइंट है, सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इन सबसे क्वेश्चन आता है, इधर आपका मेडिकल का एग्जाम हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो, इन सबसे क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, लाइफ स्पैन इज 120 डेज, इट इज बाइकनकेव इन शेप, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसमें कि आयरन होता है, एंड रेड कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से ये जो है कैरियर है ऑक्सीजन का। एक चीज और है, आरबीसी जो है वो ओनली वन टाइप के होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन सबको आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो पहले इसका फुल फॉर्म, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, इट इज ल्यूकोसाइट्स, लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 32-40 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। शेप की बात करेंगे तो ओवल इरेगुलर शेप होता है इसका, इट इज
फाइव टाइप्स, जो डब्ल्यूबीसी है ये फाइव टाइप्स का होता है। इसके नाम होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। फाइव टाइप्स के होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है इसका मेन फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस आता है उसको ये किल करता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। आरबीसी का मेन फंक्शन जो है वो कैरियर का होता है एंड डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन है वो डिफेंस का होता है। आरबीसी जो है इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, इसका 30-40 डेज होता है। ठीक है, ये सारे हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का सिर्फ एक फंक्शन याद रखो, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड फाइनली प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्लड लॉस तो होगा पर कम होगा। प्लेटलेट्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड लॉस से हम लोग को बचाता है। जैसे कि अगर कहीं पे उंड हो गया, कहीं पे कट लग गया, तो वहां पे ये ब्लड क्लॉट करवाता है, ब्लड को जमवा देता है, जिस वजह से ब्लड लॉस जो है वो कम होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमने अभी ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कैरियर का काम करता है। मेनली इसके फोर कंपोनेंट होते हैं, दैट इज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है दैट इज 55% पार्ट ऑफ आवर ब्लड, जो कि पेल कलर का होता है, और उसी के अंदर 45% कंपोनेंट जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जो आरबीसी है दैट इज रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, लाइफ स्पैन 120 डेज होती है, बाइकनकेप शेप का होता है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आयरन होता है एंड इट इज रेड कलर्ड, ये कैरियर का काम करता है। ये एक टाइप का ही होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं, ल्यूकोसाइट्स उनको कहा जाता है, लाइफ स्पैन 30-40 डेज होता है, शेप इज इरेगुलर और ओवल शेप। फाइव टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल। और जो डब्ल्यूबीसी है इसका मेन फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म का, यानी फॉरेन जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, उनको ये किल करने का काम करते हैं। एंड लास्टली दैट इज प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, दैट मीन्स जहाँ पे भी हमारे कट लग गया वहाँ एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिस वजह से ब्लड लॉस हमारे बॉडी के अंदर वो बहुत कम होता है। तो ये अभी ब्लड के बारे में हमारे अंदर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे।